बच्चों कैसे हो आप लोग। मैं अभिषेक भारद्वाज आपका स्वागत करता हूँ हमारे YouTube चैनल जनवानी क्लासेस में। आई होप आप सभी बच्चे अच्छे से क्लासेस अटेंड कर रहे होंगे और सब कुछ आपको समझ में भी आ रहा होगा और प्रैक्टिस भी आप घर पर बाद में अच्छे से कर रहे होंगे। ठीक है बच्चों, तो मैं दोबारा से अपनी पुरानी क्लास को कंटिन्यू करता हूँ जहाँ पर हम क्या पढ़ रहे थे। हम यूनिट 1 पढ़ रहे थे, किसकी, सेमेस्टर 3rd की, जहाँ पर आपका मैं चैप्टर 1 करवा रहा था पार्ट ए का, जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है बच्चों, तो उसमें कल मैंने आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेरिवेशन करवा दी थी। आज मैं बात करूंगा इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में रिलेशन क्या है। तो बच्चों इनके बीच में जो रिलेशन होता है वो होता है ई जो होता है वो आपका माइनस का ग्रेडियंट वी के इक्वल होता है। अच्छा ये कैसे होता है इसको भी हम प्रूफ करते हैं। ठीक है बच्चों, सबसे पहले हमें पता है वी नो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट चार्ज क्यू इज गिवन बाय, हमें पता है क्या कि इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे किस तरीके से होता है। E वेक्टर इक्वल्स टू 1/4πε0 q, q वो चार्ज है जिसको हम निकाल रहे हैं, जिस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड है, r क्यूब और r वेक्टर, है ना बच्चों। या फिर मैं q को बाहर ले लेता हूं, इसको अंदर पूरा ले लेता हूं। अब मेरे को क्या चाहिए, सबसे पहले मैं ग्रेडियंट की वैल्यू निकालता हूं। ठीक है बच्चों, पहले तो मैं बात करता हूं कि हमारा r क्या है। मेरे पास r एक मेरा वेक्टर जो x एक्सिस y एक्सिस और z एक्सिस के पॉइंट कंप्राइज करता है। ठीक है, तो इसका हो जाएगा xi वेक्टर xi कैप प्लस yj कैप प्लस zk कैप, या फिर मैं बोलूं तो r इक्वल्स टू अंडर रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। ठीक है बच्चों, और ये जो आपका साइन है ये है साइन ऑफ ग्रेडियंट। ठीक है बच्चों, ये आपको उल्टा ट्राइंगल टाइप होगा, ये इसको हम बोलते हैं ग्रेडियंट। ठीक है बच्चों, ये आप अपने सेमेस्टर 1 में पढ़ के भी आए हैं, आई होप आप सभी ने अच्छे से पढ़ा होगा। ठीक है, और आपको पता ही होगा कि ये किससे रिप्रेजेंट करते हैं, आई डिवाइड डी एक्स प्लस जे डिवाइड डी वाई प्लस के कैप डिवाइड डी जेड। ठीक है बच्चों, एक बार दोबारा बात करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में रिलेशन फाइंड करना है। ठीक है, तो इन दोनों में रिलेशन जो होता है वो होता है ई वेक्टर इक्वल्स टू माइनस का ग्रेडियंट वी, या फिर मैं इसको इस तरीके से बोल सकता हूँ कि ई वेक्टर इक्वल्स टू माइनस का ग्रेडियंट। ठीक है बच्चों, अभी हमको ये प्रूफ करना है। सबसे पहले हमने इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला लिया, आर को बताया कि आर क्या है और अपने ग्रेडियंट को बताया कि ग्रेडियंट क्या है। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे बच्चों, आप फटाफट इसे नोट कर लीजिए। ठीक है, फिर मैं आगे बताता हूँ कि इसके आगे हम कौन सा स्टेप फॉलो करेंगे। तो बच्चों सबसे पहले हम फाइंड करेंगे वैल्यू इसकी 1/r, ग्रेडियंट 1/r की। ठीक है बच्चों, तो जब मैं ये वैल्यू इधर पुट करूंगा तो क्या हो जाएगा, आई डी बाय डी एक्स 1/r प्लस j कैप d by dy 1/r प्लस d by dz 1/r, है ना बच्चों। उसके बाद क्या करूंगा, इसका डिफरेंशिएशन जिनको नहीं पता उनके लिए मैं एक बार बता देता हूं क्या कि जब भी हम d by dx पर x की पावर n का डिफरेंशिएशन करते हैं तो क्या आता है, n x की पावर n माइनस 1। ठीक है बच्चों, तो ये हमको पता है। ठीक है, वी नो This, तो क्या हो जाएगा आपके, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू आपकी हो जाएगी क्या, ग्रेडियंट 1/r की वैल्यू क्या हो जाएगी, आई डी बाई डी एक्स, है ना। ये आपका, देखो मैं डायरेक्ट लिख देता हूं उधर, तो ये आपका r की पावर माइनस 1, तो n आएगा तो माइनस आ जाएगी, फिर माइनस 1 मतलब r माइनस 1 माइनस 1 माइनस 2 हो जाएगा, माइनस 2 यानी 1/r2, तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूं 1/r2। फिर क्या होगा, r का भी डिफरेंशिएशन होगा x के रिस्पेक्ट में, तो उसको मैं सिंपल लिखूंगा dr/dx। ठीक है बच्चों, सिमिलरली इसकी वैल्यू आएगी माइनस 1/r2 dr/dy माइनस 1/r2 dz dr/dz। ठीक है बच्चों, अब मैं क्या करूंगा, अब मैं इस क्वेश्चन में माइनस का 1/r2 कॉमन ले लूंगा, अंदर क्या बचेगा, dx प्लस dr प्लस dx प्लस dr/dy प्लस dr/dz। ठीक है बच्चों, अब r की वैल्यू मेरे पास क्या थी, r की वैल्यू मेरे पास क्या थी, अंडर रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर, यही तो थी। तो माइनस का 1/r2, और जब मैं इसमें यहां पे ये वैल्यू पुट करूंगा, चलो मैं सिर्फ अभी मैं रफ में आपको एक काम करता हूं, रफ में खाली एक ये पार्ट सॉल्व करके दिखाता हूं, जैसे dr/dx को अगर मैं सॉल्व करके दिखाऊं तो किस तरीके से होगा,
डी बाई डी एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो ये आपकी वैल्यू किस तरीके से आएगी अगर आप वापस से यहां डिफरेंशिएशन लगाएंगे, तो ये तो एज इज इट आ जाएगा, आपका अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर आ जाएगा, है ना बच्चों, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, और इसमें क्या होगा, तो ये आपकी किसकी वैल्यू है, ये आपकी आर की वैल्यू है, तो ये तो आपको क्या हो जाएगा सिंपल वन बाय आर, है ना बच्चों। नेक्स्ट नेक्स्ट इसमें ये तो जीरो हो जाएंगे सारे, ये तो जीरो हो जाएंगे, और जो इसका वन, और नीचे वन बाय टू भी आएगा, ये तो जीरो हो जाएंगे सारे, जब आप एक्स का करोगे तो वो टू एक्स में टूटेगा, तो इस टू से ये टू कैंसिल हो जाएगा और आप किसकी वैल्यू क्या आएगी एक्स बाय आर। सिमिलरली अगर मैं इसके साथ करूंगा यही अगर यही चीज मैं फॉलो करूंगा इसके साथ और इसके साथ, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, एक की वैल्यू आएगी y बाय आर और एक की आएगी z बाय आर। ठीक है बच्चों, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसे चाहे तो आप नोट कर लीजिए। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं, लगा देता हूं यहां पे मैं उसी चीज को आर स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू भी क्या आई थी x बाय आर y बाय आर। ठीक है बच्चों, और इसके साथ मैं एक चीज भूल गया, इसके साथ क्या लगा था, आई कैप वाई कैप और जे कैप, तो वो भी लगाना जरूर भूलना मत। ठीक है, आई कैप जे कैप और के कैप। ठीक है बच्चों, आई कैप जे कैप और के कैप, तो ये क्या हो जाएगा एक्स आई कैप वाई जे कैप प्लस जेड के कैप बाय आर। ठीक है बच्चों, इसे फटाफट से नोट करिए, फिर मैं आपको अगला स्टेप बता दूं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आई होप आपने ले लिया होगा। तो अगर मैं इससे आगे बढ़ूं, अगर मैं इससे आगे बढ़ूं तो क्या आ जाएगी मेरी ग्रेडियंट वन बाय आर की वैल्यू, माइनस का वन अपॉन आर स्क्वायर। अब आप ये देखिए, अगर आर को मैं कॉमन ले लूं तो ये क्या हो जाएगा वन बाय आर, अंदर क्या बचेगा एक्स आई कैप वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, है ना बच्चों, तो क्या हो जाएगा माइनस का वन अपॉन आर क्यूब, और ये एक्स आई कैप वाई जे कैप जेड के कैप क्या है, ये आपका क्या है आर वेक्टर है। ठीक है बच्चों, यानी माइनस का आर वेक्टर अपॉन आर क्यूब, है ना बच्चों। अब आप मुझे एक बात बताइए, क्या कि मेरे पास अभी इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या था, मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड का, मैं दोबारा से लिख देता हूं, मैंने आप एक बार अपनी नोट पर देख लीजिएगा, वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू क्यू बाय वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट आर वेक्टर अपॉन आर क्यूब, ये फॉर्मूला था मेरे पास। तो जब मैं यहां पर ये वैल्यू को पुट करूंगा तो क्या हो जाएगी, ई वेक्टर इक्वल्स टू क्यू बाय फोर पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस का ग्रेडियंट वन बाय आर। ठीक है बच्चों, तो क्या हो जाएगा ई वेक्टर इक्वल्स टू माइनस का ग्रेडियंट वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर। और कल जब मैंने आपको प्रूफ करवाया था तो उसमें मैंने वी की वैल्यू क्या निकलवाई थी, वी की वैल्यू आपकी क्या आई थी, वी की वैल्यू आपकी आई थी वी इक्वल्स टू वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर। ठीक है बच्चों, तो ये क्या हो जाएगा आपका v ग्रेडियंट का v कैसा माइनस का। ठीक है बच्चों, यही आपको क्या करना था, प्रूफ करना था। ठीक है, तो इसका रिजल्ट भी याद रखिएगा और इसका डेरिवेशन भी याद रखिएगा किस तरीके से हमने सॉल्व करा है, काफी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है बच्चों, तो बच्चों अब हम वापस से अपने डाइपोल को लेते हैं, जहां पर हमने पहले क्या फाइंड करा था, तब हमने पहले फाइंड करा था इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड को, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को, अब हम फाइंड किसको करेंगे, अब हम फाइंड करेंगे पोटेंशियल। सबसे पहले हम बात करते हैं अगर अलोंग एक्सियल लाइन निकालेंगे, यानी कोई पॉइंट है आपके एक्सियल लाइन पे, एक्सियल लाइन माने यानी आपका मान लो माइनस क्यू वेक्टर और प्लस क्यू वेक्टर का एक डाइपोल है जिनके बीच की डिस्टेंस टू है, यानी उनके सेंटर से बीच की डिस्टेंस ए है और फिर सेंटर से पॉजिटिव वाले की डिस्टेंस भी ए है। सबसे पहले लेट कर देना है कि इसके अलोंग द एक्सियल लाइन एक पॉइंट है, क्या पी पॉइंट है। ठीक है बच्चों, और उस पी पॉइंट की सेंटर से जो डाइपोल का सेंटर है
उससे डिस्टेंस मान लेंगे क्या, आर मान लेते हैं। ठीक है बच्चों, सबसे पहले हमको ये काम करना है। कोई डाउट? अगर मैं इसकी बात करूं, डाइपोल मोमेंट आपका इस डायरेक्शन में होगा, ठीक है। हालांकि आपका जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो कैसा है, वो एक स्केलर क्वांटिटी होता है, तो उससे इसमें उसका कोई रोल नहीं आएगा। ठीक है बच्चों, तो हमें क्या करना है, कंसीडर इलेक्ट्रिक डाइपोल। सबसे पहले एक इलेक्ट्रिक डाइपोल ले लेना है कंसिस्टिंग ऑफ टू चार्जेस, टू पॉइंट चार्जेस, माइनस क्यू एंड प्लस क्यू। ठीक है बच्चों, एंड दे आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस टू ए, यानी द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ द डाइपोल एंड द माइनस क्यू चार्ज इज ए, एंड डिस्टेंस बिटवीन प्लस क्यू चार्ज एंड द सेंटर ऑफ डाइपोल इज ए, एंड लेट बी अ पॉइंट पी अलोंग द एक्सियल लाइन। क्या करता है हमको पी पॉइंट को लेट कर लेना, कहां पे, इसके एक्सियल लाइन पर। ठीक है बच्चों, एंड लेट द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट पी एंड द सेंटर ऑफ द डाइपोल इज आर। पी पॉइंट और डाइपोल के सेंटर के बीच की डिस्टेंस कितनी है, आर। ठीक है बच्चों, इस चीज को आपको क्या कर लेना है, लेट कर लेना है। उसके आगे हमारा रोल जो होगा वो क्या होगा। ठीक है बच्चों, ये वही चीज है। तो अगर मैं बात करूं टोटल पोटेंशियल एट पॉइंट पी इज क्या होगा, V जो आपका प्लस क्यू लगा रहा होगा और प्लस जो आपका माइनस क्यू लगा रहा होगा, यही तो होगा बच्चों। भाई एक जो पोटेंशियल इसकी वजह से क्रिएट हो रहा होगा इस पॉइंट पर, एक पोटेंशियल जो इसकी वजह से क्रिएट हो रहा होगा इस पॉइंट पर। ठीक है बच्चों, इसे नोट करिए आप, फिर मैं बताता हूं इसे आगे। बच्चों तो सबसे पहले हम फाइंड करते हैं पोटेंशियल फॉर प्लस क्यू। तो आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर। अब आपकी आर क्या है, रेडियस, मतलब डिस्टेंस, डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट एंड द एक्सटर्नल पॉइंट। तो आपके क्यू और पी के बीच की डिस्टेंस क्या होगी, आर माइनस ए। ठीक है बच्चों, माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये माइनस मैंने माइनस क्यू चार्ज का बाहर ले लिया है। ठीक है, आर प्लस ए होल स्क्वायर, होल स्क्वायर नहीं होता इसमें, ठीक है, R प्लस ए। तो आपका V क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q कॉमन आ जाएगा, 1/r - a माइनस 1/r + a। ठीक है बच्चों, तो क्या हो जाएगा, V इक्वल्स टू Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R प्लस ए माइनस R प्लस ए पॉन R स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। रीजन, क्योंकि यहां आपका बन जाएगा क्या, R प्लस ए और R माइनस ए। ठीक है बच्चों, तो यहां पर क्या आ जाएगा, V इक्वल्स टू Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इस R से R कैंसिल हो जाएगा, 2A बाय R स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अगर मैं अब इस Q को अंदर ले लूं तो आपका क्या हो जाएगा, Q इंटू 2A/4πε0 R स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और आपका Q इंटू 2A किसके इक्वल होता है, P के, है ना, मैग्नेटिक मोमेंट के। तो ये आपका क्या हो जाएगा, 1/4πε0 P बाय R स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब इसमें क्या हो जाएगा, अगर मान लो इफ, इसे आप फटाफट नोट करिए, चलो मैं इधर कर देता हूं थोड़ा साइड में। ठीक है, अगर मान ले इफ R इज मच ग्रेटर देन A, तो A क्या हो जाएगा, नेगलेक्ट हो जाएगा, यानी आपको पोटेंशियल क्या आ जाएगा, 1/4πε0 P बाय R स्क्वायर। ठीक है बच्चों, फटाफट आप इसको नोट करिए। तो बच्चों आगे बढ़ते हैं, और अब हम क्या फाइंड करेंगे, अब हम फाइंड करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहां पर, किसी भी पॉइंट पर, कहां, इक्विटोरियल लाइन पर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, वापिस से डाइपोल मान लेंगे। डाइपोल कैसे मान लेंगे, लैंग्वेज उसी तरीके से लिखनी है जैसे पिछले क्वेश्चन में लिखी थी। डाइपोल लेट कर लेंगे, जिसके पास दो पॉइंट चार्जेस होंगे, प्लस माइनस क्यू और प्लस क्यू। ठीक है बच्चों, और मान लेंगे उनके बीच की डिस्टेंस 2A, यानी बीच पॉइंट से
ए इधर की साइड है और ए ही इतनी, और लेट कर लेंगे कोई भी पी पॉइंट कहां एट इक्विटोरियल लाइन। ठीक है बच्चों, और इस डिस्टेंस को पी और पॉइंट ओ मान लो, इसको और पॉइंट पी की डिस्टेंस क्या मान लेंगे, आर मान लेंगे। ठीक है बच्चों, तो क्या करना है, कंसीडर करना है, कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल विद 2 पॉइंट चार्जेस प्लस क्यू एंड माइनस क्यू विच आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस 2a एंड लेट पॉइंट p ऑन इक्विटोरियल लाइन एट डिस्टेंस r फ्रॉम डाइपोल। ठीक है बच्चों, आपको लेट कर लेना। ठीक है, फटाफट से आप इसको नोट करिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। तो देखिए बच्चों, आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अगर मैं इस आगे की बात करूं तो अब चलिए स्पीकर को भी मैं रफ कर देता हूं, तो रफ आइडिया के लिए थोड़ा सा स्पीकर को मैं इधर ड्रॉ कर देता हूं। माइनस क्यू प्लस क्यू, पी पॉइंट हमने इधर मान लिया था, कर दीजिए, ये आर थी, ये ए थी, ये ए थी। ठीक है बच्चों, ये 90 होगा, ये आपकी क्या आ जाएगी, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। सिमिलरली ये भी आपकी क्या जाएगी, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब देखिए, जो आपका पोटेंशियल होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है, वो आपका स्केलर क्वांटिटी होता है। तो यहाँ पर जैसे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की उसमें करा था ना कि इनका रिजल्टेंट निकाला था, वो निकलेगा नहीं क्योंकि ये वेक्टर नहीं है, ये स्केलर है। तो अगर मैं बात करूं टोटल पोटेंशियल की, टोटल पोटेंशियल एट पॉइंट पी इज क्या होगा, वी वन या फिर मैं वी क्यू जो प्लस क्यू लगा रहा है और वी माइनस क्यू जो लगा रहा है। तो प्लस क्यू आपका क्या लगा रहा होगा, 1/4 πε0 q बाय डिस्टेंस कितनी है, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 1/4 πε0 माइनस क्यू बाय सेम डिस्टेंस है आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, है ना बच्चों। अगला क्या होगा, अब ये माइनस बीच में आ जाएगा, 1/4 πε0 q बाय अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 1/4 πε0 q बाय अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो ये कैंसिल आउट, तो आपका v क्या आ जाएगा, जीरो। इससे हमें क्या पता लगा, इससे हमें ये पता लगा कि किसी भी पॉइंट, कोई भी पॉइंट जो कि इक्विटोरियल लाइन पर लाई करता है डाइपोल के, उस वहां पर पोटेंशियल क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है बच्चों, सो पोटेंशियल विल बी जीरो एट एनी पॉइंट ऑन द इक्विटोरियल लाइन। सो क्वेश्चन आपका इस तरीके से आ सकता है कि शो दैट एट एनी पॉइंट ऑन द इक्विटोरियल लाइन द टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विल बी इक्वल्स टू जीरो। इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है, तो आपको इस तरीके से ये शो करके दिखाना है। ठीक है बच्चों, अब ये तो बात होगी किसकी, कि एक बार आपने एक्सियल लाइन पर निकाल दिया, एक बार आपने इक्विटोरियल लाइन पर निकाल दिया। मान लो अगर आपका पॉइंट चार्ज है वो कहीं भी है, रेंडमली कहीं भी रखा, इधर है कहीं और रखा इन दोनों पॉइंट्स के अलावा, तो हम किस तरीके से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को फाइंड कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, अभी हम उसको उसकी तरफ चलते हैं। जब बात करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक है, कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपके इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से क्या होता है। सबसे पहले हम क्या लाइट कर लेंगे, वापिस से इलेक्ट्रिक डाइपोल लाइट कर लेंगे, माइनस क्यू एंड प्लस क्यू। कोई भी मान लो लाइट मैंने इधर इधर की साइड कोई पी पॉइंट को लाइट कर लिया, पी पॉइंट
distance between dipole charges is 2a. ठीक है बच्चों, और लेट कर लेंगे कि ये वाली जो डिस्टेंस है ये r1 है, और जो ये वाली डिस्टेंस है ये r2 है, और इसके बीच से जो ये आपका जा रहा है ये आपका r वेक्टर जा रहा है। ठीक है बच्चों, अब क्या करेंगे, टोटल पोटेंशियल अगर मैं निकालने लगता हूं तो वो आपका क्या आएगा, v1 प्लस v2, v1 आपका पॉजिटिव चार्ज के द्वारा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाय r2 माइनस 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाय r2 r1 सॉरी q बाय r1 यानी 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q by 1 upon 4 by epsilon naught 1 upon r2 minus 1 upon r1, यानी इसको मैं ऊपर की साइड डालता हूं या फिर इसको मैं रिमूव कर देता हूं, इसका फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों। यानी q by 4 pi epsilon naught r1 minus r2 upon r1 r2। अब हम क्या करेंगे, जैसे हमने भी अपना डायग्राम बनाया था, हम लेट कर देंगे कि ये जो पॉइंट P है, ये जो पॉइंट P है ये काफी दूर है डाइपोल से, क्या ये काफी दूर है। ठीक है, मैं क्या करूंगा, मैं इससे इधर परपेंडिकुलर अगर डाल दूंगा, ये एंगल थीटा मान लूंगा, ये परपेंडिकुलर मान लूंगा, तो बच्चों ये मेरा क्या आ जाएगा, ये मेरा आ जाएगा इतना पोर्शन, यहां तक का पोर्शन मेरा आ जाएगा r1 minus r2। ठीक है बच्चों, ये आपका r1। ठीक है, तो अगर मैं यहां पर cos थीटा वाला फॉर्मूला लगाऊंगा तो मेरे पास r1 minus r2 क्या आ जाएगा, r1 minus r2 मेरे पास आ जाएगा यहां पर, R1 minus R2 मेरा क्या आ जाएगा यहां पर, R1 minus R2 मेरा आ जाएगा ये 2A, so ये मेरा आ जाएगा 2A cos theta, और R1 into R2 ये काफी हद तक मेरा R square के इक्वल आ जाएगा, अगर मैं approximately मान लूंगा कि ये दोनों बराबर से हैं। ठीक है बच्चों, तो जब मैं ये वैल्यूज इनमें पुट करूंगा तो मेरा v क्या आ जाएगा, q by 4 pi epsilon naught 2a cos theta by r square, यानी 1 upon 4 pi epsilon naught q 2a यानी p cos theta by r square, है ना बच्चों, no doubt। तो ये आपका क्या निकल के आ जाएगा, ये आपका क्या निकल के आ जाएगा, ये आपका निकल के आ जाएगा पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है बच्चों, पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, फटाफट इसे नोट करिए। तो बच्चों आज के लिए इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में मैं और अच्छे अच्छे टॉपिक आपके लिए लेकर आऊंगा और आपका चैप्टर हम जल्दी कंप्लीट करते हैं। थैंक यू वेरी मच।